अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, दिस इज शहजाद रसूल सज्जन एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सज्जन यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट रियल स्टेट प्रोमो एनिमेशन इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स समथिंग लाइक दिस। सो वी आर इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम करने वाले काफ़ी सारे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस एंड ट्वीट्स मौसूल हो रहे थे। सो नाउ आई एम डिसाइडेड टू क्रिएट प्रोमो एनिमेशन ऑन रियल स्टेट एंड एसेट्स पे। ये मेरे पास बेडरूम हाउसेज एंड किचन्स के कुछ फोटोज हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। एज यूजल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएटिंग ए कम्पोजिशन एंड नेम मेन कम्पोजिशन 1920x1080 30 frames per second and 20 seconds duration and then okay। After this rounded rectangle tool लेंगे, double click करेंगे और एक perfect rounded rectangle create करेंगे। Full screen layer को expand करेंगे, size के सामने constraint proportion icon को disable करना है और size को आपने छोटा करना है। Width something like this and height something like this और shift को press करके ऊपर की side place करना है कुछ इस तरह से एंड राउंडनेस 40 कर देना है। लेयर का नेम चेंज करके बीजी शेप 1। आफ्टर दिस गेन रेक्टेंगल टूल लेंगे और इस तरह से एक शेप क्रिएट करेंगे, एंकर पॉइंट सेंटर कर लेंगे और इस शेप को हमने यहाँ पे प्लेस करना है कुछ इस तरह से। और इस शेप लेयर का नेम चेंज करके बीजी शेप 2। दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड प्री कंपोज। कंपोजिशन का नेम बीजी शेप्स 1। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स टू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। बीजी शेप्स लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे एंड फिल में कलर वाइट से थोड़ा ग्रे की जाने समथिंग लाइक दिस। ओके, आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम एच मीडिया 1। एच मीन्स हाउस। यहाँ पर हम अपने हाउस का फोटो सेट करेंगे, साइज 1500x1500। अदर सेटिंग्स आर सेम एंड देन ओके। राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और एक परफेक्ट शेप क्रिएट करेंगे। लेयर को एक्सपेंड करके साइज को थोड़ा छोटा करना है समथिंग लाइक दिस एंड राउंडनेस 40। शेप लेयर का नेम चेंज करके बीजी 1। मेन कंपोजिशन में आएंगे, बीजी शेप्स लेयर से फिल को कॉपी करके एच मीडिया 1 में शेप लेयर पर पेस्ट कर देंगे ताकि कलर डिफरेंस ना हो, सेम कलर आए। बीजी 1 शेप को डुप्लीकेट करेंगे, एस प्रेस करेंगे और स्केल छोटा करेंगे समथिंग लाइक दिस। लेबल कलर चेंज कर लें इफ यू नीड एंड बीजी 2 पर राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल से ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो को एक्सपेंड करेंगे, डिस्टेंस 8 कर देंगे एंड साइज 20, ओपेसिटी 50%। ओके, इट्स परफेक्ट। बीजी 2 को अगेन डुप्लीकेट करेंगे, नेम चेंज करके मास्क 1 एंड मास्क 1 को एक्सपेंड करके लेयर स्टाइल्स को डल कर देंगे। आफ्टर दिस क्रिएट अनदर कंपोजिशन एंड नेम एच प्लेस होल्डर 1। सेम सेटिंग्स एंड देन ओके। यहाँ पर हम अपना हाउस का फर्स्ट फोटो ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में, एस प्रेस करेंगे और स्केल स्क्रीन पर सेट कर लेंगे समथिंग लाइक दिस। एच मीडिया 1 में वापस आएंगे और एच प्लेस होल्डर 1 कंपोजिशन को मास्क 1 लेयर के नीचे ड्रॉप करना है और ट्रैक मैट अल्फा मैट कर देना है। ट्रैक मैट का ऑप्शन नहीं है तो F4 प्रेस कर सकते हैं। अब कीबोर्ड पर एस प्रेस करेंगे और प्लेस होल्डर का स्केल छोटा करेंगे समथिंग लाइक दिस। प्लेस होल्डर में फोटो को थोड़ा और लेफ्ट साइड पर मूव कर लें। ओके, अभी ये परफेक्ट है।
टैक्स टूल लेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे और आप अपना टैक्स टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली योर प्रॉपर्टी टैक्स टेल टाइप कर रहा हूँ। पूरे एनिमेशन में हम बेलरोज फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कलर ग्रे समथिंग लाइक दिस, साइज छोटा कर लें। ओके, एंकर पॉइंट सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर थोड़ा नीचे प्लेस करेंगे, एरो कीज के साथ सेट कर लें। ओके, लेयर को एक्सपेंड करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे, पोजीशन लेंगे, अगेन एनिमेट पे क्लिक करके ओपेसिटी लेंगे, रेन सेलेक्टर वन को एक्सपेंड करेंगे, जीरो ड्यूरेशन पर स्टार्ट पर की फ्रेम एंड 1 सेकंड एंड 15 फ्रेम्स पर स्टार्ट का वैल्यू 100%, ओपेसिटी जीरो कर लेंगे एंड राइट साइड का पोजीशन 100। ओके, सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम, राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट एंड मेक इजी ईज, या F9 प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड पर। ग्राफ एडिटर में आएंगे, ग्राफ एडिटर का लुक अगर इस तरह से नहीं है तो आप राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ पे चेक लगाएंगे और ग्राफ का लुक कुछ इस तरह से बनाएंगे। ओके, इट्स परफेक्ट। सेम इसी तरह से आपने किचन एंड बेडरूम के फोटोज को भी सेट करना है। उसके लिए हम प्रोजेक्ट पैनल में एच प्लेस होल्डर 1 को डुप्लीकेट करेंगे एंड नेम चेंज करके बी प्लेस होल्डर 1 कर देंगे। बेडरूम प्लेस होल्डर 1 ओपन करेंगे और फोटो को बेडरूम के फोटो के साथ रिप्लेस कर देंगे। स्केल और फोटो को आप स्क्रीन पे सेट कर लेंगे। ओके, आफ्टर दिस एच मीडिया 1 कंपोजिशन को डुप्लीकेट करना है, नेम एडिट करके बी मीडिया 1 कर लेंगे, ओपन करेंगे, एच प्लेस होल्डर को बी प्लेस होल्डर के साथ आल्ट को प्रेस करके रिप्लेस कर देंगे। टेक्स्ट को आप यहां पर चेंज कर लेंगे, बट मैं टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा बिकॉज ये डमी टेक्स्ट है। इसी तरह से बी प्लेस होल्डर 1 को डुप्लीकेट करेंगे, नेम चेंज करके के प्लेस होल्डर 1 मीन्स किचन प्लेस होल्डर ओपन करेंगे एंड फोटो को किचन के फोटो के साथ रिप्लेस कर लेंगे, स्क्रीन पे सेट कर लेंगे। एंड आफ्टर दिस बी मीडिया 1 को डुप्लीकेट करके के मीडिया 1 कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर भी प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर लेंगे। ओके, यहाँ पर भी आप अपना टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, बट मैं डमी टेक्स्ट है इसलिए चेंज नहीं कर रहा। आफ्टर दिस मेन कंपोजिशन में वापस आएंगे, एच मीडिया बी मीडिया एंड के मीडिया को आपने टाइमलाइन में प्लेस करना है। पहले एच मीडिया, उसके बाद बी मीडिया एंड लास्ट पर के मीडिया 1 को। तीनों कंपोजिशंस को सेलेक्ट करना है, एस प्रेस करना है एंड स्केल 50 कर लेना है। एच मीडिया 1 को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट से ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस 7 एंड सॉफ्टनेस 25 कर देंगे। इसी ड्रॉप शेडो को कॉपी करके बी एंड के मीडिया लेयर्स पर भी पेस्ट कर देंगे। तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करना है, एस प्रेस करना है, शिफ्ट पी एंड शिफ्ट आर प्रेस करना है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर रहेगा, 2 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन स्केल एंड रोटेशन पर की फ्रेम देंगे एंड जीरो ड्यूरेशन पर पोजीशन इस तरह से ऊपर की साइड स्केल 60 कर देंगे एंड एच मीडिया लेयर का रोटेशन पॉजिटिव 10 कर देंगे, बी मीडिया का नेगेटिव 10 एंड के मीडिया का पॉजिटिव 12 कर देंगे। एंड लास्ट की फ्रेम्स पर अगेन आपने आना है 2 सेकंड्स पर और रोटेशन को रैंडमली मूव करेंगे। एच मीडिया पॉजिटिव 10 रखा था, हम यहाँ पर नेगेटिव 10 कर देंगे, बी मीडिया नेगेटिव 10 था पॉजिटिव 10 कर देंगे एंड के मीडिया नेगेटिव 3। ओके, सेलेक्ट ऑल ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक समथिंग लाइक दिस। और तीनों लेयर्स को एक दूसरे के साथ 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस देंगे, बी मीडिया 2 सेकंड एंड 10 फ्रेम्स पर एंड के मीडिया 4 सेकंड एंड 20 फ्रेम्स पर। ओके, और तीनों लेयर्स को ओपन करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप टेक्स्ट लेयर को फ्यू फ्रेम का डिस्टेंस देंगे 10 फ्रेम्स का। ओके, तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे एंड लास्ट की फ्रेम पर स्केल 50 है, हम 40 कर देंगे क्योंकि 50 स्केल काफ़ी ज़्यादा है तो 40 आई थिंक बेस्ट रहेगा। ओके, इट्स परफेक्ट। आफ्टर दिस राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे, वाइट सॉलिड, एस प्रेस करेंगे, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आइकॉन डिसेबल करेंगे और स्केल को आपने इस तरह से छोटा करना है, विड्थ भी एंड हाइट भी, और यहाँ पर प्लेस करना है। ओके, सॉलिड लेयर पर इफेक्ट एंड प्रीसेट से ग्रिड अप्लाई करेंगे एंड ग्रिड में सेटिंग्स साइज फ्रॉम विड्थ एंड हाइट स्लाइडर्स, विड्थ 30 एंड हाइट भी 30, बॉर्डर 2 कर देंगे एंड कलर ग्रे लेंगे समथिंग लाइक दिस और एंकर पॉइंट 385x385 कर देंगे। ओह, इट्स परफेक्ट। सॉलिड लेयर का नेम चेंज करके ग्रिड कर देंगे एंड टी प्रेस करेंगे ओपेसिटी के लिए
एंड ओपेसिटी 25%, 1 सेकेंड ड्यूरेशन पर ओपेसिटी पर की फ्रेम एंड 0 ड्यूरेशन पर ओपेसिटी 0%। ओके, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इजी ईज कर लेंगे। एच मीडिया में आएंगे और टेक्स्ट लेयर को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, मेन कंपोजिशन में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। बिकॉज हमें सेम एनिमेटेड टेक्स्ट चाहिए इसलिए हम इसी टेक्स्ट को हम एडिट करके यूज़ कर लेंगे। इसे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, एडिट करके अब प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। मैंने जस्ट डेमी टेक्स्ट के लिए 2 बेडरूम हाउस लिखा है। टेक्स्ट का साइज चेंज कर लें, एंकर पॉइंट सेंटर और एरो कीज के साथ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा बोल्ड लुक दे रहा हूँ। ओके, इसी लेयर को डुप्लीकेट करके एरो कीज के साथ नीचे प्लेस करेंगे एंड एडिट करके आप लोकेशन लिखेंगे इन इस्लामाबाद। मैं जस्ट इन इस्लामाबाद लिख रहा हूँ, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से टाइप करेंगे। टेक्स्ट का साइज और बाकी की सेटिंग्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगेन टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, नीचे प्लेस करेंगे एंड एडिट करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आएगा, मैं इस टेक्स्ट को इटैलिक कर रहा हूँ एंड साइज 50। इसके बाद हम टेक्स्ट टूल लेंगे और इस तरह से एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। मैं लोरेम स्पम का डेमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंकर पॉइंट सेंटर। इस टेक्स्ट को हम बाद में एनिमेट करेंगे। डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट को अगेन डुप्लीकेट करेंगे, लेयर को ऊपर प्लेस करेंगे एंड एरो कीज के साथ टेक्स्ट को नीचे ले आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फीचर्स, आप अपने हिसाब से फीचर्स लिखेंगे। टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एडिट करके आप फीचर्स टाइप करेंगे, मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ऑल कैप्स ख़त्म कर दें, अगेन डुप्लीकेट करेंगे और इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पर सेकंड फीचर लिखेंगे, अगेन डुप्लीकेट राइट साइड पर, और यहाँ पर थर्ड फीचर। अगर आपके पास ज़्यादा फीचर्स हैं तो वो भी आप नीचे टाइप कर सकते हैं, बट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 3 फीचर्स ही लिखे हैं। आफ्टर दिस फीचर्स टेक्स्ट को अगेन डुप्लीकेट करेंगे, नीचे ले आएंगे एंड एडिट करके एक्शन प्राइस को डुप्लीकेट करके नीचे प्लेस करेंगे और यहाँ पर आप अपना प्राइस लिखेंगे। मैं जस्ट डमी प्राइस लिख रहा हूँ, साइज थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे प्राइस का। सभी टेक्स्ट लेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके प्री कंपोज करेंगे एंड कंपोजिशन का नेम टेक्स्ट 1, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। टेक्स्ट 1 को ओपन करेंगे, हेडिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट एंड प्रीसेट से फिल अप्लाई करेंगे एंड फिल में कलर आप अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे, बट मैं बिल्कुल लाइट ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। और फिल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन पर पेस्ट करेंगे, फीचर्स पर एंड एक्शन प्राइस पर। वापस मेन कंपोजिशन में आएंगे, ओके इट्स परफेक्ट। अगेन टेक्स्ट 1 में आएंगे और सभी लेयर्स को हमने डिस्टेंस देना है फ्यू फ्रेम्स का। हेडिंग एंड लोकेशन सेम डिस्टेंस पर, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ ये फ्यू फ्रेम आगे, और उसके बाद फीचर्स टेक्स्ट, और उसके बाद सभी फीचर्स जो हैं वो फ्यू फ्रेम आगे प्लेस करेंगे। एक्शन प्राइस एंड प्राइस दोनों लेयर सबसे ऊपर, इनका लेबल कलर चेंज कर लेंगे, फीचर टेक्स्ट एंड फीचर्स का लेबल कलर भी चेंज कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन के दोनों लेयर्स का लेबल कलर चेंज कर देंगे। अभी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप हमने प्लेस करना है, बेडरूम उसके बाद किचन एंड देन गार्डन, लास्ट पर प्राइस एंड एक्शन प्राइस टेक्स्ट। इट्स परफेक्ट। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ को हमने एनिमेट करना है, टी प्रेस करेंगे एंड शिफ्ट पी प्रेस करेंगे, पोजीशन एंड ओपेसिटी 1 सेकंड ड्यूरेशन पर, पोजीशन एंड ओपेसिटी पर की फ्रेम एंड लेयर के स्टार्ट में ओपेसिटी 0% एंड पोजीशन थोड़ा सा नीचे की साइड। वाह, इट्स परफेक्ट। सेलेक्ट ऑल ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक थोड़ा सा चेंज करना है, जस्ट लिटल। ओके, यहाँ से हेडिंग को कॉपी करेंगे, मेन कंपोजिशन में आएंगे और पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ऊपर हमने प्लेस करना है हॉरिजॉन्टली सेंटर, एडिट करके यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे। मैं जस्ट प्रॉपर्टी रिव्यू लिख रहा हूँ। इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे, नीचे प्लेस करेंगे और टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड ट्रैकिंग भी आपने ज़्यादा करना है एंड टी प्रेस करना है, ओपेसिटी 15 कर देना और फिल में कलर ग्रे कर देना, लाइट ग्रे, ओपेसिटी आई थिंक 10 कर देते हैं। ओके, प्रॉपर्टी रिव्यू को अगेन डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर प्लेस करना है हमने, इटैलिक कर लेंगे टेक्स्ट को, साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर कलर ग्रे करना है हमने। ओके, इट्स परफेक्ट। अगेन प्रॉपर्टी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर प्लेस करेंगे, ऑल कैप्स ऑफ कर देंगे एंड फॉक्स बोल्ड भी ऑफ कर लेंगे। एडिट करके आप अपना वेबसाइट लिखेंगे, मैंने जस्ट योर वेबसाइट .com लिखा है, साइज छोटा कर लेंगे।
और इस तरह से यहाँ पे प्लेस करेंगे। एंकर पॉइंट सेंटर, सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर लेना है एंड नेम सीन वन वाल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन एंड देन ओके। राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड का नेम बीजी एंड कलर पिकर से कलर हमने यही वाला लेना है बैकग्राउंड पर। ओके, बीजी लेयर को नीचे प्लेस करेंगे एंड सीन वन पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। ओपेसिटी 40, डिस्टेंस 8 एंड सॉफ्टनेस 20। ओपेसिटी आई थिंक 25 कर लेंगे। ओके, एंड सीन वन पे पी प्रेस करेंगे पोजीशन के लिए, 1 सेकंड ड्यूरेशन पर पोजीशन पर की फ्रेम देंगे एंड 0 ड्यूरेशन पर पोजीशन इस तरह से ऊपर की साइड। सेलेक्ट बोथ ऑफ की फ्रेम्स, मेक इजी ईज एंड ग्राफ एडिटर में लुक समथिंग लाइक दिस। सीन वन को ओपन करेंगे, बीजी शेप के अलावा सभी लेयर्स को आपने सेलेक्ट करके 10 फ्रेम्स आगे प्लेस करना है। ओके, अभी चेक करते हैं, इट्स परफेक्ट। सीन वन को डुप्लीकेट करके हम अपना नेक्स्ट सीन बनाएंगे। एक सीन और मैं आपको बनाना बताऊंगा, बाकी के सीन आप खुद क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट पैनल में सीन वन को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन कर लेंगे एंड आफ्टर दिस एच प्लेस होल्डर वन को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे और हाउस का फोटो रिप्लेस कर लेंगे सेकंड हाउस के साथ एंड फोटो को आपने सेट कर लेना स्क्रीन पर। आफ्टर दिस बी प्लेस होल्डर वन को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे, फोटो को रिप्लेस कर लेंगे नेक्स्ट बेडरूम के साथ। इसी तरह से थर्ड प्लेस होल्डर के प्लेस होल्डर को डुप्लीकेट करके यहाँ पर भी फोटो को रिप्लेस कर लेंगे के टू के साथ। मैंने आपको बताया के मीन्स किचन। बी मीडिया वन को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर प्लेस होल्डर को नेक्स्ट प्लेस होल्डर के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से एच मीडिया को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे और नेक्स्ट प्लेस होल्डर के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से के मीडिया को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे और नेक्स्ट प्लेस होल्डर के साथ रिप्लेस कर देंगे। आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर लेंगे हर प्लेस होल्डर में, मैं डेमी टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा। टेक्स्ट वन को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे और आप अपना नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। मैं कुछ टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ बिकॉज ये डमी टेक्स्ट है और आप अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, सीन टू में आएंगे, एच मीडिया वन को एच मीडिया टू के साथ रिप्लेस करेंगे आल्ट को प्रेस करके, बी मीडिया को बी मीडिया के साथ एंड के मीडिया वन को के मीडिया टू के साथ, टेक्स्ट वन को टेक्स्ट टू के साथ और बाकी के टेक्स्ट भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट वन एंड ग्रिड लेयर दोनों की विजिबिलिटी डीएक्टिव कर लें। एच मीडिया वन को सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे और सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इस तरह से आप उठा के इस साइड पे ले आएंगे शिफ्ट को प्रेस करके। ओके, इसी तरह से बी मीडिया को सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे, सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ इस साइड पे ले आना है। इसी तरह से के मीडिया टू पर भी यू प्रेस करेंगे, सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और इस साइड पे ले आएंगे शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करके। ओके, ओके, इट्स परफेक्ट। ऊपर वाला पॉइंट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इनका पोजीशन का लास्ट की फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है और इस साइड पे ले आना है तीनों का। प्रोजेक्ट पैनल में बीजी शेप्स वन को डुप्लीकेट करेंगे, ओपन करेंगे और बीजी शेप टू को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इस साइड पे ले आएंगे। सीन टू में आएंगे, बीजी शेप वन को बीजी शेप टू के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड प्रॉपर्टी रिव्यू टेक्स्ट को भी इस साइड पे ले आएंगे, वेबसाइट टेक्स्ट को भी इस साइड पे ले आएंगे। टेक्स्ट टू एंड ग्रिड को विजिबल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इस साइड पे ले आएंगे। बाकी के टेक्स्ट एंड पोजीशंस अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मेन कंपोजिशन में आएंगे, सीन वन को डुप्लीकेट करेंगे एंड सीन टू के साथ रिप्लेस कर देंगे। मैं यहाँ पर 10 सेकंड का सीन रख रहा हूँ, आप जितना चाहें लॉन्ग कर सकते हैं। सीन टू को मैं 10 सेकंड पर प्लेस कर रहा हूँ। ओके, इट्स परफेक्ट। इसी तरह से आप इंट्रो एंड आउट्रो भी बना लेंगे जैसा कि आपने प्रोमो में देखा। अगर आप फाइल डाउनलोड करें तो फाइल के साथ आपको काफ़ी सीन्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो गैज, ये था आज का हमारा रियल स्टेट प्रोमो एनिमेशन जो हमने अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया। ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप फाइल को एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। फॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे जस्ट क्लिक करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगेबान।